हमारे शिक्षक जो हैं जी। वे परीक्षा नहीं देंगे। जो शिक्षक हैं जी। वे निश्चित तौर पर जंगे मैदान में उत्साह के साथ उतरे। तो हम लोग गर्दनी बाग 11 बजे जुटेंगे और एक सभा करेंगे, अपने शिक्षकों के बीच सारी स्थिति साफ साफ रखेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि नई शिक्षक नियमावली को लेकर जमकर बवाल हो रहा है, लेकिन इस मामले में ताज़ा अपडेट ये आया है कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की जो याचिका पटना हाईकोर्ट को दी गई थी, उस याचिका को मानने से पटना हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। यानी कि अब जो एग्जाम है, अब जो परीक्षा है, वो अगस्त महीने में ही होगी। तो आज हम इस मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद जी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत धन्यवाद जी। तो सबसे पहला सवाल कि पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है और साफ कह दिया है कि रोक नहीं लगेगी। देखिए, उस झटका से हमारा आंदोलन प्रभावित नहीं होने वाला है। हम लोगों ने पिछले 2-3 महीना से इसकी तैयारी की है और यह सरकार ही जवाबदेह है शिक्षकों को सड़क पर उतारने के लिए। जब तक हमारी जो एकमात्र मांग है जी। कि जो पुराने शिक्षक हैं 20 साल 16 साल 17 साल से प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक जब तक राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक आंदोलन चलेगा। 11 को यहाँ विधानमंडल के सामने हम लोगों का जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, राज्य भर के शिक्षक यहाँ जुटेंगे जी। और प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्वक, पूर्णतः अहिंसक होगा और विधानमंडल के माननीय सदस्य जो हमारी मांग का समर्थन कर रहे हैं वे हमारे सामने आएंगे और हमारी मांगों के समर्थन में शिक्षकों के बीच अपनी बात कहेंगे। यानी कि लेकिन जिस तरह से पटना हाईकोर्ट ने मना कर दिया है, इनकार कर दिया है कि रोक नहीं लगेगी और ये भी कहा है कि परीक्षा अपने तय समय पर होने वाली है, तो क्या अब क्या मतलब हम इसको ऐसे कैसे देखें? हमारे शिक्षक जो हैं वे परीक्षा नहीं देंगे। नहीं देंगे परीक्षा जिस किसी भी परिस्थिति में होगी, जैसी भी उन पर परेशानी होगी, लेकिन उसको बर्दाश्त करेंगे। अपनी 20 साल की 16 साल 17 साल की नौकरी वे खुद आत्मघाती कदम उठा करके परीक्षा नहीं देंगे। नहीं देंगे। अच्छा, और 11 जुलाई को आप लोग क्या करने वाले हैं? ये घेरा डालो डेरा डालो ये क्या है? कह तो रहे हैं कि हमारा यह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है जी। हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए पूरे राज्य के शिक्षकों का हमने आह्वान किया है कि विधानमंडल के सामने, और वो इजाज़त देते हैं गर्दनी बाग में ही। तो हम लोग गर्दनी बाग 11 बजे जुटेंगे और एक सभा करेंगे, अपने शिक्षकों के बीच सारी स्थिति साफ साफ रखेंगे और विधान परिषद और विधानसभा के जो हमारी मांग के साथ हैं वे आएंगे हमारे समर्थन में, सरकार पर वे भी दबाव डालें। लेकिन सरकार तो यहाँ पर अल्टीमेटम दे रही है कि अगर नियोजित शिक्षक उतरते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, आंदोलन करते हैं, तो फिर हम कड़ा एक्शन लेंगे। तो लगता है कि आपको नियोजित शिक्षक आएंगे इस आंदोलन? निश्चित तौर पर आप हमारी परीक्षा उस दिन आइएगा, आपको हम आमंत्रण देते हैं। जो शिक्षक हैं वे निश्चित तौर पर जंगे मैदान में उत्साह के साथ उतरेंगे। उत्साह के साथ उतरेंगे बिना डरे हुए। कोई डर सरकार ने अल्टीमेटम दे दिया है। सरकार ही जवाबदेह है उनको विद्यालय छोड़कर सड़क पर आने के लिए। सरकार ने ही न्योता दिया है। सरकार ने उनके हक के खिलाफ नियम क्यों बनाया? उनकी नौकरी जो समाप्त होगी इसके लिए जवाबदेही सरकार की है। जब उनकी नौकरी ही नहीं रहेगी तो विद्यालय में रह करके क्या करेंगे?
इसलिए सरकार को चुनौती देने आएंगे कि हमारी वरीयता बरकरार रखो, नहीं तो हम उतरेंगे सड़कों पर। एक आखिरी सवाल ये है कि आपकी मुलाकात लालू प्रसाद यादव से भी होती है, लेकिन जब आप जगदानंद सिंह से मिलते हैं तो बड़ा गुस्से में आ जाते हैं, क्या हुआ था ऐसा? नहीं नहीं कोई गुस्सा जगदा भाऊ से तो कोई ऐसी कोई बात, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई और वे हमारी मांग से सहमत हैं। उनका साफ कहना है कि जो प्रशिक्षित हैं, जो शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण हैं, उनकी फिर से परीक्षा नहीं होनी चाहिए। अच्छा। साफ साफ तो कोई जवाब आया, क्योंकि उन्होंने आपको आश्वासन दिया था, लालू जी ने आश्वासन दिया था कि हम नीतीश जी से बात करेंगे इस मौजू पर। नीतीश जी से बात करके हमको अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। अब जो 10 से विधान मंडल का सत्र होगा उसमें तमाम जो हमारे समर्थक विधायक हों, खास करके वामपंथी दलों के विधायक, वे अपना विरोध 10 से ही प्रकट, हाँ 10 से ही विरोध प्रकट करेंगे। यही आज महागठबंधन की बैठक में तय हुआ है, यही तय हुआ है। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं शत्रुघ्न प्रसाद जी। देखिए लगातार आपको मालूम है कि लगातार बवाल हो रहा था। देखिए उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि शिक्षक सड़कों पर उतरने वाले हैं और 11 तारीख को क्या कुछ होगा ये भी उन्होंने बताया है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।